साफिया जुबेर कई बार रहे, वो विशेष ही जाति के लिए काम करते हैं, न कि और के लिए। कई गरीब दलितों पर अत्याचार हुए जिनकी रिपोर्ट तक जमा ना हुई और एक्सीडेंट में दिखा दिए। इसलिए आपके आम जनता भाजपा को चाह रही है। गहलोत की सरकार, योजनाएं, ये सब सारी जो चीज़ें हुई वो कुछ धरातल पर आई कि नहीं? नहीं आई, एक भी धरातल पर नहीं आई। कहते हैं किसी भी विधानसभा का हाल अगर जानना है तो वहाँ के अनुभव से बातचीत करनी चाहिए, वहाँ के उन तमाम लोगों से बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने उस विधानसभा का आज भी देखा है, बीता हुआ कल भी देखा है और सब कुछ जानते हैं उस विधानसभा के बारे में। तो हमारे साथ आज रामगढ़ के वो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने इस विधानसभा को शुरू से लेकर अभी तक देखा है, फर्श से लेकर अर्श तक देखा है। क्या लगता है चुनाव का माहौल क्या है, साफिया जुबेर ने क्या किया और अब जो सुखवंत सिंह दावा ठोक रहे हैं वो क्या कर पाएंगे? देखो, साफिया जुबेर कई बार रहे, वह विशेष ही जाति के लिए काम करते हैं, न कि और के लिए। और यहाँ पहले साफिया थी तो कई गरीब दलितों पर अत्याचार हुए जिनकी रिपोर्ट तक जमा ना हुई और एक्सीडेंट में दिखा दिए। इसलिए आपके आम जनता भाजपा को चाह रही है और भाजपा का कैंडिडेट सुखवंत सिंह एक सुशील और सज्जन आदमी है और हमारी राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है। मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो देश को कहाँ विकसित करने के में लगे हुए हैं। इसलिए आपके सबने माइंड मूड बना लिया है कि यहाँ राज्य सरकार है तो रामगढ़ का विकास मंत्री भूपेंद्र और भजनलाल मिलके रामगढ़ का विकास की गारंटी ली है और हमारे सुखवंत सिंह जीतेंगे तो ये उनको समस्याएं बताएंगे और वो निदान करेंगे। तो यहाँ ये कहना है कि ट्रिपल इंजन पे काम चाहते हैं, सुखवंत सिंह, भजनलाल और भूपेंद्र मिलकर कुछ ज़बरदस्त काम करें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, ये यहाँ के बुज़ुर्ग चाहते हैं। और कहना है इनका कि अभी तक की जो जुबैर खानदान का राज रहा वहाँ पक्षपात की राजनीति हुई। आपका क्या मानना है, पिछले 5 साल गहलोत की सरकार, योजनाएँ, ये सब सारी जो चीज़ें हुई वो कुछ धरातल पर आई कि नहीं? नहीं आई, एक भी धरातल पर नहीं आई आज तक भी। और पक्षपात हुआ है बहुत तगड़ा, मतलब जहाँ हिंदू बस्ती हो वहाँ तो काम ही नहीं किया इन लोगों ने, काम ही नहीं लिया। सीसी रोड नुकनी पड़ी है, मतलब द्वेष की भावना से काम चल रहा है। द्वेष की भावना चरम पर रही, इस बात को समझाएं कि हर जगह जहाँ बात कर रहे हैं एक बात की सुनने को मिल रही है कि सिर्फ मेवों के लिए ही काम हुआ और लोगों के लिए काम हुआ ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ साहब। और ये अत्याचार हुआ है साफिया का, वहाँ में तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है और सबसे ज़्यादा ये है कि दलितों के ऊपर ज़्यादा, दलितों के ऊपर भरसक अत्याचार और केवल पक्षपात की राजनीति हुई और इसलिए अब जुबैर खानदान से मुक्ति चाहता है पूरा का पूरा रामगढ़। आपने इस विधानसभा का आज भी देखा है, कल भी देखा है, पूरी आपने उम्र यहाँ निकाली है, क्या लगता है अब आने वाला कैंडिडेट कौन होना चाहिए, कैसा होना? आने वाला कैंडिडेट सुखवंत सिंह जी होना चाहिए और हमारे यहाँ सुखवंत सिंह जी आ जाएंगे तो शायद है, हमको उम्मीद है सब सारे विकास और सब काम होंगे। और जुबैर खान ने किया और नहीं, मतलब पहले उसके साफिया ने किया, ऐसे कैसे ही पड़ा है। और मतलब दृष्टि के समान देखते हैं, अपना काम करते हैं, वो और को नहीं चाहते। एक तरफ आर्यन जुबैर है जिसका कहना है कि वो युवा है और दूसरी तरफ सुखवंत सिंह है जिनके लिए सुनने को मिलता है कि सरल व्यक्तित्व है, तो युवा की तरफ जनता जाएगी कि सरल व्यक्तित्व की तरफ जाएगी? सरल व्यक्ति को जाएंगे, हम तो जाएंगे तो सुखवंत सर को जाएंगे, सभी हमारे सबन का ही मन है। और मेरा तो मैं 10 से 15 तक सरपंच रहा था, साहब पहले मुझसे ये कही थी मैं बूटों के लिए कोई काम नहीं दूंगी, द्वेष भावना मुझसे कही। मैं सरपंच रहा था 10 से 15 तक, मुझसे साफिया ने कह दी कोई काम नहीं दूंगी उनको वोट लेके लिया, तो अब मैं उनको वोट क्यों दूं, मैं तो नहीं दूंगा उसको वोट पे। तो आप सरपंच थे और इनका कहना था कि साफिया साफ साफ कहती थी कि हम तुम्हारे इलाके में काम नहीं कराएंगे और ये द्वेष की भावना थी, आपका क्या कहना है भाई साहब? सुखवंत जी के लिए चुनना है साहब ने। तो माहौल यहाँ कहीं ना कहीं सुखवंत सिंह के लिए देखने को मिल रहा है, क्या कहना है आपका? सुखवंत सिंह का खूब बहुमत आएगा अब की साल और बीजेपी की सरकार ऊपर भी है, यहाँ भी रहेगी। तो तमाम सारे बुजुर्गों से हमने बात की और उनका कहना है कि
जो माहौल है वो इसलिए बीजेपी के पक्ष में है क्योंकि 5 साल जो झेला है वो केवल पक्षपात है, केवल द्वेष है और एक तरफा मेवों के लिए या एक विशेष समाज के लिए काम किया गया, दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया, हिंदू बस्ती में ना सीसी रोड बनवाई गई ना सड़कों पे काम हुआ और इसलिए कहीं ना कहीं अब जो है ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं और इसलिए सुखवंत सिंह जो एक सरल व्यक्तित्व के धनी है उनको ही वोट करना चाहते हैं। ये है मर्म रामगढ़ विधानसभा का और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।